राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का पावन पवित्र दिन आने वाला है, तो फ्रेंड्स जन्माष्टमी का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे तो क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, उसी को लेकर आज का यह वीडियो है। जन्माष्टमी पर सुबह की पूजा और शाम की पूजा की सारी सामग्री मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो भी स्वरूप आपके पास है, अगर बाल स्वरूप में आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो उनका पूजन करें, अगर नहीं है तो जो भी फोटो या आपके पास कृष्ण भगवान की फोटो या स्वरूप है उसको आप पूजा में शामिल करें, उनका पूजन कर सकते हैं। और बाद में देखिए गणेश जी को भी हमें अपनी पूजा में जरूर शामिल करना है, तो गणपति के बिना हमारी पूजा शुरू नहीं होती है। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमें पूजन की थाली में हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है। तो बेसिक चीज़ें क्या है, सबसे पहले हमने एक थाली बना लेनी है और उसमें हम एक शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे और देसी घी का हम दीपक हमने लेना है और हमें धूप लेनी है। गणेश जी का पूजन करना है तो आप उसके लिए, अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी में भी ले सकते हो। कलावा लेना है, हमने एक कलावा ले लेंगे, चावल ले लेंगे, चंदन ले लेंगे, रोली ले लेंगे और ये हम ये थाली में सबको रख देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखिए ये कपूर लेना है, आरती करने के लिए हमें कपूर ले लेना है, इत्र लेना है लड्डू गोपाल पर लगाने के लिए, जब हम उनको ला के श्रृंगार करेंगे तो कपूर लेंगे, दक्षिणा हम जरूर रखेंगे। और उसके बाद माचिस रखेंगे दिया जलाने के लिए। और हमें देखिए फ्रेंड्स, अब हमें भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है, दूध लेना है, दही लेना है, शहद लेना है, घी लेना है, चीनी लेनी है। ये सारी चीज़ें मैंने पाँच जो पंचामृत है वो मैंने इकट्ठा एक अलग थाली में बना लिया है, तो आप चाहो तो एक ही पात्र में भी इसको को मिक्स कर सकते हो या आप अलग अलग से भी इसका स्नान करा सकते हो। तो स्नान के लिए पंचामृत जरूरी है। मिश्री का भोग लगाना है, हमने माखन का भोग लगाना है, लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है इसलिए इनका भोग जरूर लगेगा। पंजीरी का भोग जरूर लगेगा, तो पंजीरी भी जरूर बनाएं, तो पंजीरी का भोग भी ये हमें उसमें लगाना होता है पूजा में। और उसके बाद तुलसी दल जरूर लेना है, क्योंकि जब भी हम भगवान पे भोग लगाएंगे तो तुलसी दल हमारे पास होना चाहिए। और जो भी आपके पास मिठाई है, जो भी आप जितनी भी आपके पास टाइप की मिठाइयाँ हैं वो आप रख सकते हैं। ऋतु फल जरूर लेना है। और देखिए खीरा हमें लेना है, क्योंकि रात की जब पूजा होती है तो उसमें खीरे से जन्म होता है भगवान श्री हरि का, तो हम उससे लड्डू गोपाल जी का जन्म के लिए हमने खीरा भी ले लेना है। और अब देखिए हमें कुछ श्रृंगार का सामान लेना है, लड्डू गोपाल जी की हमें दो पोशाक लेनी है और उसके साथ ही हमें देखिए पोशाक लेनी है, एक हम सुबह में उनकी पूजा में पहनाएंगे, एक हम शाम की पूजा में पहनाएंगे। और उसके साथ ही हमें सारी ज्वेलरी लेनी है, मुकुट लेने हैं और जो भी आप श्रृंगार का सामान लड्डू गोपाल जी के लिए आप उनको लगाओगे वो सारी सामग्री आपको एक जगह पर रख लेनी है। एक बांसुरी लेनी है सुंदर सी, अगर आपके अगर चांदी की ले सको तो चांदी की, नहीं तो आप कोई भी बांसुरी ले सकते हो। और उनके बाल लेने हैं, आप फूल जरूर लेने हैं, क्योंकि फूल हमें लड्डू गोपाल जी के झूले को सजाने के लिए, चौकी को सजाने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए हमें फूल जरूरी है। इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे फूल हमें मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप फूल जरूर रखें। तो ये हमने सारी सामग्री यहाँ पर रख ली है और साथ में हम एक मोर पंख जरूर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टोटल सामग्री है जो जन्माष्टमी की पूजा के लिए है, हमें चाहिए होगी। आप कितना भी बढ़ा सकते हो सामग्री को, अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत और पूजन करते हैं तो कम से कम इतनी सामग्री तो हमें जरूर चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत कब है, इसकी पूजा हमें कब करनी है, और यह आपके आपको अपनी अगली वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी जो कि हमें लड्डू गोपाल की पूजा के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत होती है, और सामग्री की आप संख्या को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, हम महिलाएं अपने तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।